तो चलिए देखते हैं कि आपके जो स्पेशल पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स, करंट एनर्जीज क्या है आपके लिए, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, रीडिंग में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए डिवाइन ब्लेसिंग्स के लिए और पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज के लिए। डिवाइन टैरोरिक आपको ये बोलेंगे आपके स्पेशल पर्सन, चाहे वो आपके क्रश हैं या पार्टनर, उनकी करंट एनर्जीज, फीलिंग्स, थॉट्स क्या हैं आपके लिए और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। डियर टैरो, प्लीज़ टेल माई डियर व्यूअर्स, टेल माई डियर कलेक्टिव अबाउट द करंट फीलिंग्स, थॉट्स ऑफ देयर स्पेशल पर्सन एंड देयर नेक्स्ट एक्शन। आमीन। ऑल राइट, वाओ, प्रिय दर्शकों हमें कार्ड्स मिल चुके हैं। ये रिश्ता मुझे ऐसा लग रहा है कि जब शुरुआत, ये जब रिश्ता स्टार्टिंग में इतना पॉजिटिव नहीं है, बट धीरे धीरे ये पॉजिटिविटी की ओर जाएगा, ज़रूर जाएगा। आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये इनिशियली वो आपसे इतनी अच्छी तरह कनेक्ट नहीं कर पाते थे, रिसेंट पास में भी, शुरुआत में भी, अभी भी वो आपके साथ बहुत अच्छी तरह, मैं नहीं बोलूँगी कनेक्ट कर पाते हैं, तो कनेक्ट करने में थोड़ी सी तकलीफ़ होती है उनको। उनको समझ में नहीं आता है कि किस तरह से वो इस रिश्ते में आगे बढ़ सकेंगे। तो ये कार्ड्स इतने पॉजिटिव नहीं आए हैं, लेकिन फ्यूचर का कार्ड बहुत पॉजिटिव है प्रिय दर्शकों, जिस पे मैं बहुत जल्द जाने वाली हूँ। तो कभी कभी उनके मन में किसी बात को लेकर दुख है, चिंता है, वो सोचते हैं कि इस रिलेशनशिप में वो कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, आपका दिल कैसे जीत सकते हैं, ऐसा आप दोनों में कोई मतभेद की स्थिति भी हो सकती है जो कि मुझे दिख रहा है, तो इस बात को लेकर वो थोड़ी टेंशन में हो सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, वो आपको ये बात बोलना चाहते हैं कि वो आपसे मे बी जो भी आप दोनों के बीच हुआ है, जो भी बातचीत हुई है, उससे वो थोड़े नाराज़ हैं और मे बी नो कांटेक्ट जैसी सिचुएशन बन गई है, लेस कांटेक्ट है, वो आपसे एक नाराज़ है, दुखी है, यही वो आपको बोलना चाहते हैं। लेकिन उनके मन में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स हैं, ये मुझे दिख रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये जो कार्ड है ना, वो सिचुएशन के ख़िलाफ़ जाकर भी वो आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और आने वाले फ्यूचर में ना वो आपके लिए रेस्टलेस हो सकते हैं। वो मतलब एक बेचैनी, एक अजीब सी बेचैनी उनके मन में आपसे मिलने की वो हो सकती है। तो फ्यूचर का कार्ड धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहा है। इनिशियली ये रिश्ता ना, अगर आपकी किसी के साथ अगर वो क्रश हैं, या अगर कोई वन साइडेड रिलेशनशिप में भी आप हैं, या आप कोई ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ बहुत ज़्यादा मतभेद की स्थिति होती है, तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपके पर्सन ना वो आपके फीलिंग्स को समझेंगे, इनफैक्ट वो समझेंगे और वो आपके लिए आपको मिस भी करते हैं। उनके मन में एक अजीब सी एक छटपटाहट भी रहने वाली है, बेचैनी आने वाले दिनों में, और वो आपके साथ उनका जो नेक्स्ट एक्शन होगा वो बहुत पॉजिटिव होगा। देखिए, ये है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। तो वो आपसे जुड़ने की, एक कमिटेड रिलेशनशिप की तरफ भी जाने की कोशिश करेंगे। वो चाहेंगे कि ये जो रिलेशनशिप है ये डेवलप हो और ये सक्सेसफुल हो। तो आप हिम्मत बिल्कुल मत हारिएगा प्रिय दर्शकों, आने वाला समय आपके लव लाइफ के लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला है। ऑलराइट, थोड़ा उन्हें वक्त दीजिए। तो चलिए देखते हैं आपके डिवाइन एंसेस्टर्स जो है उनकी तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। चलिए देख लेते हैं आपके डिवाइन एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेज है। ऑल राइट, डिवाइन एंसेस्टर्स की तरफ से मैसेज आ चुका है। वाह, क्या है? एयर गार्जियन, शिफ्ट योर परसेप्शन। देखिए, आपका जो परसेप्शन है, आपकी जो सोच है, उसे थोड़ा सा बदल के देखिए। आप इस रिश्ते में शायद हमेशा सोचते हैं कि ये रिश्ता पॉजिटिव नहीं है, आपको ना आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये जो पर्सन है ना, ये मुझे ऑनेस्ट लग रहे हैं। ये किसी भी वजह से ये आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पाए, वो खुद भी बहुत दुखी है। देखिए, वो खुद भी बहुत दुखी है। मे बी उनके लाइफ के सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस ही कुछ ऐसे हैं जिस वजह से वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्हें थोड़ा सा और वक्त दीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अब देखिए, अपने सोच को बदलने की ज़रूरत है, यही आपके डिवाइन स्पिरिट्स और एंसेस्टर्स कह रहे हैं। कोई भी बिग डिसीजन मत लीजिए, जल्दी से कोई भी फैसला मत ले लीजिए। ये जो पर्सन है, इनके बारे में कोई भी कंक्लूजन अभी ड्रॉ मत कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में इनका जो एक्शन होने वाला है ना, जो नेक्स्ट स्टेप होगा इनका, कुछ हफ्तों के अंदर या कुछ महीनों के अंदर, मे बी 2-3 मंथ्स के अंदर जो उनका स्टेप होगा वो बहुत पॉजिटिव होने वाला है। वो आपके साथ वो एक्चुअली शायद वो अपने करियर पे, अपनी सिचुएशन पे फोकस कर रहे हैं, ताकि वो उस काबिल बन सके कि आपसे वो अच्छी तरह कनेक्ट कर पाए।
तो उन्हें अगर थोड़े से समय और स्पेस की ज़रूरत है उन्हें दीजिए। आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत, परसेप्शन मतलब सोच, अपनी सोच को थोड़ा सा बदल के देखिए। यही आपके डिवाइन एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट्स आपको बोलना चाहते हैं। बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। वैसे प्रिय दर्शकों, अब चलिए देख लेते हैं कि नेचर और सुपर नेचुरल वर्ल्ड की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। नेचर और सुपर नेचुरल वर्ल्ड की तरफ से, ऑल राइट, नेचर और सुपर नेचुरल वर्ल्ड की तरफ से मैसेज आ चुका है। वाओ, देख लेते हैं। द लेडी ऑफ द मिरर, रिफ्लेक्शन, नॉन जजमेंट। देखिए, अभी मैंने बोला अपने पर्सन को जज मत कीजिए, यही आपको नेचर और सुपर नेचुरल वर्ल्ड भी बोल रहे हैं। अपने पर्सन को जज मत कीजिए, ठीक है ना, जज नहीं करना है, क्योंकि उनकी परिस्थितियाँ, सब कुछ आपको शायद नहीं पता है वो किस मुश्किल से गुजर रहे हैं, किस तरह वो आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इंसान आपसे, यू नो, कोई इंसान आपसे प्यार करे ये ज़्यादा ज़रूरी है। उनके फीलिंग्स, उनके थॉट्स प्योर होने चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन, आप थोड़ा सोचिए इस विषय के बारे में, थोड़ा सा सोचिए। मैं भी जो गाइडेंस आपको देने की कोशिश कर रही हूँ, तो उसको ज़रा, उस बारे में ज़रा सोचिए डीपली। कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में मत लीजिए, ठीक है ना, और जज, उनको जज मत कीजिए। यही आपको डिवाइन, यू नो, नेचर और सुपर नेचुरल वर्ल्ड भी आपको यही बोलना चाह रहे हैं। चलिए अब देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या सीक्रेट मैसेजेस हैं आपके लिए। यूनिवर्स की तरफ से, वाओ, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आ चुका है। व्हेन इट कम्स टू चूजिंग हु विल बी इन योर लाइफ, आई रिकमेंड वैल्यूइंग देयर क्वालिटी अबव ऑल अदर्स, हैव इट योर वे। वाओ, जब आपको फैसला लेना होगा कि आपको कौन से पर्सन को चूज़ करना है, तो हमेशा उनकी क्वालिटी को देखिए। क्वालिटी मतलब उनका नेचर कैसा है, क्या वो एजुकेटेड है या नहीं, ठीक है, क्या उनमें ज्ञान है, नॉलेज है, क्या वो डाउन टू अर्थ है, क्या वो अंडरस्टैंडिंग है, केयरिंग है, तो उनमें क्या क्वालिटीज़ है ये देखिए आप, ठीक है ना। तो ये एक पॉजिटिव कार्ड है, यहाँ पर लिखा है यी हाँ एक इंटरजेक्शन है, मतलब जब हम बहुत खुश होते हैं हम बोलते हैं हाँ यी या यी हाँ ऐसा, तो ये एक पॉजिटिव, यू नो, जैसे एक विक्ट्री, एक आपकी जब जीत होती है आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है तो आप बोलते हैं हिप हिप हुरे, इस टाइप का एक वर्ड है ये। तो इसका मतलब है इस रिलेशनशिप में आगे चलकर आपकी जीत हो सकती है। तो आपको आपके जो पर्सन है, जो भी आपके पर्सन है जिनके साथ आप जुड़े हैं ना इस रिश्ते में, तो आपके पर्सन को समझने की कोशिश कीजिए। आप उनके क्वालिटीज़ को देखिए, उनमें क्या क्वालिटीज़ हैं, उनमें क्या गुण हैं वो आप देखिए। फ्यूचर में वो किस तरह से आपके साथ एक पॉजिटिव, एक कमिटेड रिलेशनशिप में रह सकते हैं, तो वो आप देखिए, उनकी क्वालिटीज़, उनके गुणों को देखिए। तो यही यूनिवर्स की तरफ से एक बहुत पॉजिटिव मैसेज है आपके लिए। प्रिय दर्शकों, अब चलिए देख लेते हैं कि न्यूमरोलॉजी के वर्ल्ड की तरफ से क्या मैसेज है। जो सीक्रेट मिस्टीरियस वर्ल्ड ऑफ नंबर्स है, तो नंबर्स की तरफ से क्या मैसेजेस है देख लेते हैं। वाओ, नंबर्स की तरफ से मैसेजेस हमें मिल चुके हैं। 9-9 कंपैशन, देखिए जो मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, आपके मन में कंपैशन का होना बहुत ज़रूरी है। कंपैशन, दया, यहाँ पे होगी कंपैशन का, यहाँ पे दया नहीं, यहाँ पे है अंडरस्टैंडिंग। लव रिलेशनशिप है ना, तो आपके पर्सन के लिए आपके मन में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, उनको समझने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है ना, उनके फीलिंग्स को समझिए। देखिए कंपैशन, बार बार मैं वही वो आपको जो बोल रही हूँ, यही आपको ओरेकल डेक्स भी यही बात आपको बोल रहे हैं। 9-9 ये जो नंबर होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा, 9 का जो नंबर है बहुत जेनरोसिटी, दान करना, ये हम नंबर 9 से देखते हैं, चैरिटी, दान। तो आपके मन में कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अपने पर्सन के लिए, अंडरस्टैंडिंग, उनको समझने की कोशिश कीजिए, उनको जज मत कीजिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए, उनके सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए, वो किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा उनको, ये बहुत ज़रूरी है प्रिय दर्शकों, ठीक है ना। चलिए अब देख लेते हैं एस्ट्रो वर्ल्ड, मतलब जो एस्ट्रल वर्ल्ड है, जो प्लैनेट्स का जो वर्ल्ड है ना, तो वहाँ से आपको क्या गाइडेंस मिल सकती है देख लेते हैं। तो एस्ट्रल वर्ल्ड है, एस्ट्रल वर्ल्ड से क्या गाइडेंस है देख लेते हैं। वाओ, एस्ट्रल वर्ल्ड से गाइडेंस आ चुका है, हमें गाइडेंस मिल चुका है।
वाओ, एक्वेरियस साइन है, एक्वेरियस साइन कोलैबोरेट, देखिए कोलैबोरेट कीजिए अपने पर्सन के साथ, मिलके अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, उनके साथ कोलैबोरेट कीजिए, उनके साथ कोऑपरेट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। तो अभी शायद आपके पर्सन कभी कभी बिजी हैं, आपके साथ जुड़ नहीं पाते हैं, आपको समय नहीं दे पाते, शायद वो अपने करियर को लेके, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके कुछ हद तक परेशान हैं। तो उनको जज मत कीजिए, उनकी परिस्थिति को समझने की कोशिश कीजिए, उन्हें इमोशनल सपोर्ट दीजिए, मॉरल सपोर्ट दीजिए, ठीक है ना। उनके साथ कोऑपरेट करने की कोशिश कीजिए, आप दोनों मिलके अगर कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करेंगे, तो आप दोनों एक बहुत ही सुंदर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, एक आपका आने वाला कल बहुत ही सुंदर खूबसूरत हो सकता है। तो उनके साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, कोऑपरेट कीजिए अपने पर्सन के साथ। वाओ, इतना पॉजिटिव मैसेज आया है, देखिए ये बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है, प्लैनेट्स के वर्ल्ड की तरफ से बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आपके लिए आया है। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद है ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग से डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। आई होप मैंने सारे डेक्स कवर किए हैं, यस सारे डेक्स मैंने कवर कर दिए। ओ फाइनली एक और डेक है, मूनोलॉजी, मून ओरेकल की तरफ से देख लेते हैं क्या गाइडेंस है, जल्दी से मून ओरेकल। ऑलराइट, मून ओरेकल की तरफ से गाइडेंस आ चुका है, अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, आपके रिश्ते का क्लाइमैक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, मतलब आपका रिश्ता आगे चलकर सक्सेसफुल हो सकता है, पेशेंस रखिए, क्लाइमैक्स बहुत ही अच्छा होने वाला है। ऑल द बेस्ट।